सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में अभी पिछले दिनों विधायक सीताराम आदिवासी के लड़कों के द्वारा पिपरानी वन चौकी पर पदस्थ ऋषभ शर्मा के खिलाफ झूठा प्रकरण बनाने को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा एसपी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि ऋषभ शर्मा के ऊपर जो झूठे मुकदमे दायर किए हैं उनको हटाया जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। समाज के लोगों का कहना है कि ऋषभ शर्मा अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे थे तो चौकी पर आकर विधायक के लड़कों ने चौकी प्रभारी ऋषभ शर्मा से मारपीट की और उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया, जबकि वे अपनी ड्यूटी पर ईमानदारी से काम कर रहे थे। जब विधायक के लड़कों को गलत काम करने से उन्होंने रोका तो विधायक के लड़कों ने उनके साथ गाली गलौज की और हाथापाई कर मारपीट भी की, जबकि वे अपनी ड्यूटी पर ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। और जब उन्होंने सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाने की रिपोर्ट की तो उन पर ही झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। उसको लेकर आज सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा एसपी को निष्पक्ष जांच कराकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसा एक ज्ञापन दिया। और एसपी ने सर्व ब्राह्मण समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि इसकी जांच कराकर दोषी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। श्योपुर से गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। समाज ने प्रदर्शन किया है, क्या वजह रही है कि ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर एसपी को ज्ञापन देने आया? विधायक श्री सीताराम जी आदिवासी के लड़कों द्वारा पिपरानी वन चौकी पर ऋषभ शर्मा जो वन चौकी पर ऋषभ शर्मा प्रभारी है इसके फॉरेस्ट में, उनको ऑन ड्यूटी उनके द्वारा पीटा गया। और तो हम सर्व ब्राह्मण समाज ये मांग करता है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको जेल हो, और इन पे उसके बावजूद भी झूठा प्रकरण एसटीएससी में दर्ज हुआ है वो सब धाराएं वापस हो, ये हमारी सर्व ब्राह्मण समाज की मांग है प्रशासन से। क्या लगता अगर है मांग नहीं जाती मानी जाती है तो क्या करेंगे? हम आंदोलन पे जाएंगे, सर्व ब्राह्मण समाज यही धरने पर बैठेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में किसी तरह का कोई विरोध? हाँ, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई या इनको न्याय नहीं मिला तो हम विरोध करेंगे। हमारे समाज के वन मंडल में कार्यरत कर्मचारी ऋषभ शर्मा, उस पर वो अपनी ड्यूटी का दायित्व का निर्वाहन कर रहा था, वर्तमान विधायक विजयपुर श्रीमान सीताराम आदिवासी जी के सुपुत्र और उनके साथी गण मिलके उनको जबरदस्ती अपनी ड्यूटी से और अपने गैर इरादतन कार्य करना चाहते थे, जिनको लेके उनने विरोध किया तो शराब पी के आए और उनके साथ में मार धाड़ करी, उसका वीडियो भी वायरल हो चुका है। प्रशासन से और शासन से हम ये मांग करते हैं, हमारा सर्व ब्राह्मण समाज, कोई दल नहीं पूरे ब्राह्मण, के सीताराम आदिवासी के बालकों पे जो उन्होंने जुर्म किया है उस पे संवैधानिक धाराएं लागू करते हुए कानूनन कार्रवाई की जाए। अगर शासन प्रशासन कानूनन कार्रवाई नहीं करता है तो इस जंग को हम श्योपुर से लेके मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के निवास तक जंग लड़ेंगे। एक आवेदन दे करके ज्ञापन के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग की है, हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। सर, मामला कायम होने के 3 दिन बाद हो गया, उसी में